जांच करवाई वगैरह करवाई, डॉक्टरों ने हमें प्रोस्टेट कैंसर बताई। उसके बाद हमें इंटरनल हॉस्पिटल आने का मौका मिला। संदीप जी नूनिया जी सर के द्वारा संतोषजनक जवाब जिन्हें यहाँ इलाज करवाया और आज ऑपरेशन सफल हुआ। मैं सुजानगढ़ तहसील सारोटिया गांव के रहने वाला हूँ। ये मेरे पिताजी है। मैं सबसे पहले बीकानेर गया था। वहाँ हमने डॉक्टरों से जांच करवाई वगैरह करवाई, डॉक्टरों ने हमें प्रोस्टेट कैंसर बताई। उसके बाद हमने वहाँ पे ऑपरेशन करवाए। कम से कम 30-35 दिन वहाँ रहे और 5-7 बार चक्कर भी वहाँ काटे। उसके बाद हम जो वहाँ पे कम से कम 5-7 बार हम गाड़ी लेके गए, 2-3-4 दिन आगे से आगे डालते रहे। उसके बाद हम दोनों जगहों से थके हॉस्पिटल पहुंचे। यहाँ पे हम 20-25 दिन रहे। उसके बाद भी संतुष्टि हमें नहीं मिली। उसके बाद हमें इंटरनल हॉस्पिटल आने का मौका मिला, जहाँ पे हमें संदीप जी नूनिया जी सर के द्वारा संतोषजनक जवाब दिया और उसके कहने पर हमने यहाँ इलाज करवाया और आज ऑपरेशन सफल हुआ। धन्यवाद देता हूँ मैं संदीप जी सर नूनिया जी को, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर संदीप नूनिया इंटरनल हॉस्पिटल में कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ। ये पूसा राम जी काफी हॉस्पिटलों में परेशान होके आए थे। बेसिकली इनका बीकानेर मेडिकल कॉलेज में ओपन रेडिकल प्रोस्टेटेक्टोमी हुआ था, जिसमें कॉलोन की इंजरी हो गई थी। उसके बाद में सेप्टिसीमिया में चले गए थे। लगभग 6-7 हफ्ते वहां पर कंजर्वेटिवली ट्रीट होने के बाद में डेफिनेटिव क्योर के लिए इनको जयपुर रवाना कर दिया गया था। जयपुर में भी ये काफी जगह परेशान हुए। अल्टीमेटली SMS में भी इनका पूरा इवेल्युएशन हुआ, लेकिन किसी कारण वजह से, क्योंकि ये काफी कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन था, ये रीडेट होते रहे। फिर इन्होंने एम्स जोधपुर में भी ट्राई किया, वहां भी रीडेट होते रहे। ऐसा नहीं है कि ये ऑपरेशन कोई करना नहीं चाह रहा। मेरा इस वीडियो से यही एक संदेश है कि इस टाइप के कोई भी कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशंस जो होते हैं वो एक टीम अप्रोच मांगते हैं। यहाँ जब हमने इनको इवेल्युएट किया तो हमने देखा कि रेक्टम भी इन्वॉल्व है। तो मेरे जो सीनियर कलीग्स हैं डॉक्टर कपिलेश्वर, हमारे हिपेटोबिलियरी और GI सर्जन हैं, उनकी भी मेरे को मदद की जरूरत पड़ी ऑपरेशन में। जो बहुत अच्छी प्लास्टिक सर्जन है हमारी डॉक्टर वर्षा मुंडेला, उन्होंने भी मेरे को इस ऑपरेशन में हेल्प करी। उन्होंने ग्रेसलिस मसल को इंटरपोज किया। मैंने भी काफी हद तक इस ऑपरेशन में लगभग 60% रोल प्ले किया। तो 3-4 डॉक्टरों का जब रोल प्ले करता है तो अक्सर देखा जाता है कि गवर्नमेंट सेटअप में या छोटे सेटअप में इस टाइप के ऑपरेशंस नहीं हो पाते और पेशेंट बार बार रीडेट होता रहता है और वो ढूंढता रहता है कि बेसिकली हमारा ऑपरेशन कहाँ होगा। तो इस वीडियो से मेरा यही सभी जो लोगों को एक संदेश है कि अगर कोई भी ऐसा कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन हो जो मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच हो, जिसमें एक कॉम्प्लिकेटेड ICU की जरूरत हो, इंटरनल हॉस्पिटल में आप संपर्क करें और बहुत जल्दी, ये पेशेंट पहले दिन एडमिट हुआ था, सेकेंड डे ऑपरेट हुआ और चौथे दिन इनकी छुट्टी भी हो गई है। तो हमारे यहाँ टीम अप्रोच बहुत अच्छा है। डॉक्टर पुष्पलता मैम, उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि इतना कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन उन्होंने बहुत ही स्मूथली किया। हमारा ICU मैनेजमेंट स्टाफ, पोस्ट ऑपरेटिव, मेरा कलीग आशीष, ऑपरेटिव टीम, सब वेल मैनेज्ड है और इसी वजह से आज लगभग ऑपरेशन के 1.5 महीने बाद में ये पेशेंट बिल्कुल से कॉन्टिनेंट है। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा।